आदमी का जीवन बिताते हुए, एक देश के प्रधानमंत्री की माता होते हुए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। वो चाहते बड़े से बड़ी जी अपने कंधे पर लेके अपनी माँ का दाह संस्कार एक सामान्य व्यक्ति की तरह किया। ये बड़ी महान बात है, ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है और सबके लिए ये शिक्षा की बात। तो उनके शरीर उनका रखने के लिए देखते हैं पार्थिव शरीर को कि लोग उनके दर्शन करें और ये करें, ऐसा नहीं करा। सुबह ही सुबह बजे अपने कार्यालय पहुंच गए। उसी दिन उन्होंने हमारे देश के अंदर एक पश्चिम बंगाल से ट्रेन जाती वहीं बैठे बैठे उसका उद्घाटन किया और अपने देश के सारे काम उन्होंने निपटाए हैं। हमारी माँ भी मरती हैं तब भी हमें देश का काम सबसे पहले है और हमें अपना काम करना चाहिए। शोक भी उन्होंने किसी को नहीं। चुपचाप अपने परिवार के लोग, अपने घर के लोगों के साथ दाह संस्कार किया। मैं इन्हीं बातों के साथ एक आदर्श महिला और एक सबसे पूजनीय महिला हमारी हीराबेन माताजी को आज हम शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दो मिनट का आप लोग मौन रखेंगे और शोक श्रद्धांजलि मैं अर्पित करते हुए आपसे ये कहूँगा कि दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर उनके शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लिए दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम है शास्त्री नगर निवासी, यहाँ के लोग उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दो मिनट का मौन। ओम शांति। हाँ जी, बंद हो गया तुम्हारा यार, इधर देखो इधर।